सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, इस दिशा में लगातार रोटरी क्लब कदम भी बढ़ा रहा है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ इस संस्था द्वारा पर्यावरण को सुगम बनाने की पहल की जा रही है। इसी को लेकर सागर में रोटरी क्लब फिनिक्स के सदस्यों ने मिलकर 500 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। पहले फेज में 200 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी ने इनके देखभाल की व्यवस्था भी की है। वृक्षारोपण को लेकर सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर की। इसको लेकर रोटरी क्लब के अध्यक्ष नमन समैया ने बताया कि वृक्षारोपण के बाद सभी लोग इनका ध्यान रखेंगे और इन्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। ये हमारा रोटरी क्लब सागर फिनिक्स का एक, ये हम लोगों ने 500 पेड़ लगा के 20 लोगों के ग्रुप ने मिलके 500 पेड़ों का ये टारगेट बना के रखा हुआ है। और ये 20 पेड़ हमने टोटल केयर टेकिंग, टोटल फेंसिंग विद कंप्लीट, मतलब इसकी पूरी केयर हम साल भर करेंगे, साल दो साल जितनी भी होगा इसका पूरा केयर करेंगे। इस पेड़ को, इन सब 500 पेड़ों को हम कभी बर्बाद नहीं होने देंगे, इसका ये हमारा रोटरी क्लब फिनिक्स का टारगेट बनाया हुआ है। और हमारे रोटरी क्लब के जो सदस्य हैं, सम्मानीय हमारे धर्मवीर साहू जी, इन्होंने ये पूरा जिम्मा लिया हुआ है और इन्हीं के द्वारा पूरी पेड़ों की केयर टेकिंग होगी। और हम लोगों ने 500 पेड़ का SIP का अभियान आज चलाने का सोचा। सचिव धर्मवीर साहू का कहना है कि पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, इसलिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। वहीं सदस्य आयुषी अग्रवाल ने बताया कि समय के लिहाज से वृक्षारोपण जरूरी है और जब ये पौधे बड़े होंगे तो इनसे जो भी मिलेगा उससे गरीब जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। हमारी जो पूरे 20 मेंबर्स की टीम है, मतलब हमारे सीनियर रोटेरियंस भी हैं, युवा रोटेरियंस जिन्होंने इस साल से ज्वाइन किया है, हम सभी एक परिवार की तरह किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। उसी के तहत आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में बहुत ही ज़्यादा असंतुलन हो रहा है, इसके लिए वृक्षारोपण अत्यधिक ज़रूरी है। परंतु वृक्षारोपण में देखने में क्या आता है, पेड़ तो लगा दिए जाते हैं पर उनकी केयर नहीं हो पाती है। तो हम ये चाहते हैं कि उन पेड़ों का बिल्कुल देखभाल हो, वो बड़े हो, हरे भरे हो, फलदायी हो, उस संकल्प के साथ हम लोगों ने ये वृक्षारोपण किया है। अभी पहले फेज में हम लोगों ने 200 वृक्ष लगाए हैं और 100 के फेज में हम अभी और वृक्ष लगाएंगे। 4 फेज में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं रोटरी क्लब में सचिव के पद पर हूँ और नमन भाई के सपोर्ट से, सभी मेंबर्स के सपोर्ट से आज हमारा पहला ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से, बहुत सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ है। आगे भी इस तरीके के प्रोजेक्ट होते रहेंगे जिससे कि समाज को, हमारे शहर को समाज को इनके प्रोजेक्ट को सफलता मिलती रहे और मतलब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हम लोग बना सकें। हमारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर नमन समैया, सेक्रेटरी मिस्टर धर्मवीर साहू जी, आज इनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया था भैया के फार्म हाउस पे। तो उसमें हम लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि आज जो भैया ने बताया, धर्मवीर भैया ने, कि जो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है उसके कारण हम लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि आज जो कोरोना वायरस वगैरह ये फैल रहे हैं उसके कारण इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम लोगों ने ये भी सोचा है कि उससे हम लोगों को जो फल सब्जियां जो भी मिलेंगी उसमें हम लोग गरीबों को देंगे और अपने घर के उपयोगों के लिए भी यूज़ करेंगे, जिससे जो बाज़ार में नॉन हाइजीनिक सब्जियां जो बहुत से उसमें दवाइयां डाल के मिक्स होकर मिल रही हैं, वो उसके कारण हम लोगों को मतलब बहुत इसमें हम लोग का वो था योगदान का। बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग इस चीज़ के लिए कि हम लोग बहुत दिन से वृक्षारोपण करने का सोच रहे थे, जिससे हम लोगों को इस चीज़ में बहुत मदद मिलेगी। हाइजीनिक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम मेंबर हैं रोटरी क्लब के, आयुषी अग्रवाल। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स। एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर।